गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृताज़ डेली लाइव चैनल। आज मैं और एक मॉर्निंग ब्लॉग शेयर करूंगी। और आज संडे का दिन है, संडे में हम लोग सभी लोग अपना कुछ काम करते हैं या फिर घूमने जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। आज के ब्लॉग में मैं अपना ही डेली जो वर्क है वो उसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी शेयर करूँगी। हम अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेशन करके रखते हैं, अच्छे से इसका मेंटेन करते हैं, मगर उसके साथ साथ हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे बिहेवियर है, वो भी हमारे घर को जोड़े रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए, तो आप सभी को बहुत ही आसानी होगा। काफ़ी लोगों को मालूम भी है, मैं ये ब्लॉग स्पेशली उनके लिए शेयर कर रही हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी न्यू लाइफ स्टार्ट किए हैं आफ्टर वेडिंग, न्यू फैमिली में जो जिनका नया ज़िंदगी स्टार्ट हुआ है। तो चलिए फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और सारी टिप्स सुनते हैं। तो टिप नंबर वन मैं शेयर करूंगी, वो है हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छा बने रखने के लिए क्या करना है। हमें हम जब किसी से कुछ किसी के लिए करते हैं ना, उनसे बदले में रिटर्न नहीं लेना है, रिटर्न के लिए सोचना भी नहीं है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। कुछ कीजिए, अपने खुशी से कीजिए, जिससे कि आप खुद को भी अच्छा लगे और दूसरे भी इससे उनको भी वो भी आपको याद रखेंगे और खुश रहेंगे, तो ऐसे बॉन्डिंग अच्छा बने रहता है। दूसरा जो टिप है, टिप नंबर टू मैं शेयर करूंगी, बदलते हुए जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम एक घर से दूसरे घर में जब आते हैं ना, वह दूसरे एनवायरनमेंट में हमें एडजस्ट करना पड़ता है, जितना हो सके उसी सांचे में ढालने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है हम हर बात में हाँ पे हाँ मिलाएं, मगर कोशिश करना है जितना हम हो सके, क्योंकि हस्बैंड अगर अच्छा मिले तो उसका उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। उनसे अंडरस्टैंडिंग अच्छा बनेगा तो हम जैसे भी है जिस भी एनवायरनमेंट में होंगे खुश रह सकते हैं। टिप नंबर थ्री में मैं शेयर करूँगी, हम जो हाउसवाइफ है ना, वो हमेशा इतने काम में बिजी रहते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा अपने खुद पे भी ध्यान रखना है। हमें जब इवनिंग में हस्बैंड आने वाले हैं ना, थोड़ा सा तैयार होके उनके सामने रहना है। ज़्यादा मेकअप करने की मैं नहीं बोल रही हूँ, जस्ट एक अच्छा सा थोड़ा सा फ्रेश लुक लेके आ जाइए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के, थोड़ा बाल को अच्छे से नॉट बना के, ऐसे ही। तो इससे होता है कि इम्प्रेशन भी अच्छा होता है। टिप नंबर फोर जो है उसमें मैं शेयर करूँगी, आजकल हम लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, हम लोग इधर उधर के फ्रेंड्स के स्टेटस देखते रहते हैं और ख़ुद को कोसते रहते हैं कि उसको इतना कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। तो ये नहीं सोचना है, जितना है हमें उनमें हैप्पी रहना सीखना चाहिए। ज़रूरत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप पास में जाइए, कहीं आसपास की जगह घूम के आइए, या फिर आपका जो है ना, जैसे वो दोस्त यहाँ पे जा रहा है हफ्ते में या फिर महीने में दो दो तीन तीन विदेश की ट्रिप लगा रहा है, ये सोचना बंद कीजिए। देखिए, मेंटल पीस हमेशा रहेगा। और हमें क्या करना है, छोटे छोटे चीज़ों में अपना खुशी ढूंढना सीखना चाहिए। अभी टिप नंबर फाइव में मैं क्या बोलूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हस्बैंड घर में वापस आते हैं काम से थके हारे, उनसे डायरेक्ट कंप्लेंट करना मत स्टार्ट कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए उनको, चाय पानी पूछिए, थोड़ा सा रिलैक्स करवाइए,
फिर धीरे धीरे अपनी बात बोलिए। इससे क्या होगा, सब कुछ अच्छे से अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और खुशियाँ भी बराबर हम रहेगा घर में। तो ये है मेरा टिप नंबर 5। और टिप नंबर 6 में मैं क्या शेयर कर अगला जो टिप है मैं शेयर करूँगी, जैसे हम लोग हस्बैंड के साथ अपना हैप्पी टाइम जब स्पेंड करते हैं, उनका जो बुरा वक्त आता है हमें उनके साथ ज़रूर रहना चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे वक्त में हम साथ में रहेंगे तो बुरे वक्त में भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बराबर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभाना भी चाहिए। तो इससे भी बॉन्डिंग अच्छा रहता है और हमेशा घर में खुशियाँ रहता है। तो ये जो टिप है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मुझे मालूम है बहुत लोगों को ये सब कुछ मालूम है, मगर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्पेशली मेरा ये सारा टिप है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको ज़रूर मदद होगा। हमें सॉरी बोलने का हैबिट डालना चाहिए। ये जो बात है, ये वर्ड है ना, बहुत छोटा है मगर बहुत पावरफुल है, पता है। और ये सॉरी बोलने से ना बड़ी से बड़ी गलती का माफ़ी मिल जाता है। तो ये बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, तो हमें अपना गलती मानना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुस्खा है, टिप है, टिप नंबर 6। तो आपको हमें सबको, सबके लिए, नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ बट सभी के लिए सॉरी बोलना सीखना हमें, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ ला सकती है। एक छोटा सा वर्ड मगर बहुत पावरफुल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है हम सब के लिए, इंसान के लिए, वो है खुद को हैप्पी रखना। और अपना जो जो काम है ना, जो खुद को हम हैप्पी रख सकते हैं, वैसा काम ढूंढिए और कीजिए। सोचिए कौन सा चीज़ आपको खुशी देती है। हाँ, आपको अच्छा लगे तो जाइए, घर से निकल के कभी कभी विंडो शॉपिंग भी कीजिए। या फिर बहुत सारे लोगों को हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो क्राफ्ट का काम बहुत पसंद होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मूवी देखना अच्छा लग रहा है, कभी कभी आप मूवी भी देख लीजिए। तो जैसे भी है ना, दूसरों के बारे में मत सोचिए, डिप्रेस्ड मत रहिए। अपना अच्छा जो चीज़ है ना वो ढूंढिए और निकाल के उसको सबके सामने प्रेजेंट कीजिए। तो आप खुद को हैप्पी जब रख सकते हैं ना, तभी दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं और फैमिली में खुशियाँ बराबर आ सकता है। तो इसीलिए हमें कुछ ये सारी टिप्स को ज़रूर याद रखना है। और देखिए मेरा ये लंच तो आज बन गया है, और लंच वगैरह सब बना के मैं थोड़ा किचन का भी क्लीनिंग कर लिया। और किचन का क्लीनिंग के साथ साथ, क्योंकि महीना ख़त्म होने वाला है ना, मसाला वगैरह ये सब मैं चेक कर रही हूँ कितना कुछ है, कितना मुझे ख़रीदना पड़ेगा, तो वो सब का भी लिस्ट बनाना है ना। तो मैं वो जो एक छोटा सा प्लेट है उसमें मैं ये सब मसाले का पैकेट्स रखती हूँ अंदर वाले ड्रॉयर में, वो सब मैं निकाल के साफ सफाई भी कर लिया और सारे चेक भी मेरा हो गया है। तो ये जो आज का जो दिन है ना, थोड़ा रिलैक्सिंग भी है। मैं घर का सफाई भी बराबर कर लिया आज। थोड़ा वो जो सीलिंग फ़ैन है ना, वो सब भी बहुत दिन से गंदा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मैंने उसका भी सफाई कर लिया। अभी जो जितना सभी फैंस का मैं नहीं कर सकती, तो वो सब मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं, मुझे मेरा मदद कर देते हैं। आज थोड़ा सा मैंगो जो चटनी है ना हम लोग बनाते हैं, वही सिंपल बंगाली स्टाइल मैंगो का चटनी बनाया दोपहर के लिए। और क्योंकि आज घर में सभी लोग हैं, हस्बैंड भी रहेंगे, तो उनके पसंद, सबके पसंद की खाना भी बन रहा है। तो हिल्सा फिश का जो करी है वो सबको पसंद है, जिस दिन बनता है ना, थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग सभी लोग खाना खा लेते हैं। आज संडे है मगर आज बाहर नहीं निकलना है, घर में कुछ सफाई का काम करूँगी और रिलैक्स रहूँगी। ये हो सके तो एक मूवी भी देख लूँगी। तो ये जो छोटा सा एक प्लांट है, प्लांट आर्टिफिशियल पॉट है प्लांट का, ये मेरा बहुत दिन का पुराना है। एक जो टहनी है ना, ये टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इसका, मुझे बहुत दिन से लग रहा था इसको रिपेयर करना है, ऐसे ही मैंने रख दिया था उसको। हॉट ग्लू से आज इसको अटैच कर रही हूँ और फिर उसको रख दूँगी। एकदम बहुत सुंदर है ये, ओरिजिनल जैसा ही लुक है इसका और प्लास्टिक का है। तो ये काम भी मैंने कर लिया आज।
संडे का दिन एक दिन होता है, तो आज किचन में भी क्या क्या मुझे ज़रूरी है वो भी मुझे करना है, मैंने वो भी कर लिया है। साइड बाय साइड जो एक गरम मसाला है वो भी मैंने आज बना लिया है। और फिर देखिए घर का कुछ कुछ सफाई रिपेयरिंग वगैरह ये सब करके और आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना रही हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बातें भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। ये जो छोटा सा बॉक्स है मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो में शेयर किया, मैंने खुद बनाया इसको। जो हम लोग ऑनलाइन में बहुत सारे चीज़ें लाते हैं उन्हीं में से, उन्हीं बॉक्सेस में एक बॉक्स मैं लेके इसको जो कुछ एक मेरा एक पुराना ड्रेस था उसका फटा हुआ कपड़ा लेके इसको मैंने बनाया था कवर करके, और इसमें मैं चार्जर्स वगैरह वो सब कुछ रख देती हूँ। तो एक ही जगह में सब कुछ रहता है तो आसानी होता है। हम सब एक साथ हम सब डिसिप्लिन जब रहते हैं ना तो घर में बाकी सारे लोगों को भी मालूम होता है कि ये सिस्टम ऐसा चलना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे वीडियो में, मैं आज कुछ बाहर भी नहीं गई और कुछ ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा रेसिपीज भी बनाई, वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो टिप मैंने शेयर किया आप भी फॉलो करते होंगे, और उससे ज़्यादा भी कुछ अगर आपको मालूम है ज़रूर आप शेयर कीजिए मुझसे, मैं भी कोशिश उन सबको फॉलो करूँगी। और ये देखिए ये सोफ़े का जो कवर है मैंने उसको भी आज चेंज किया, ये कवर का जो कलर है ना ये मैंने आज अलमारी का क्लीनिंग किया था तो उससे ये कवर नया कवर आज निकाला और कवर का मैं चेंज भी कर दिया। फिर मंडे से ना पूरा न्यू लुक आएगा, तो सारे थोड़े थोड़े जगह जो है ना वो सब निकाल निकाल के मैं कॉर्नर वाइज सफाई करती हूँ। तो आज संडे में मैंने थोड़ा सा इधर उधर का जो ये सोफ़े का या फिर कार्टेंस वगैरह चेंज की ये सब काम किया। और ब्रेकफास्ट में भी कुछ तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया था आज, रोटी और इसके साथ मटर का घुघनी, मतलब ये थोड़ा एक मटर का रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो ये मैंने आज हम लोग आज ब्रेकफास्ट में लिया रोटी और ये मटर का जो ये है रेसिपी सब्ज़ी। और ये देख सकते हैं किचन का भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।